अभी मैं फिलहाल में अपने पीसी का कीबोर्ड चेंज किया, बट ये नंबर लॉक काम नहीं कर रहा है। इसका सेटिंग से कुछ गड़बड़ हो जाता है, या तो कीबोर्ड या तो सॉफ्टवेयर अपडेट आने के बाद कुछ सेटिंगें जो होती हैं ऑन हो जाती हैं, तो इसको काम नहीं कर रहा है, बट नंबर लॉक अनलॉक दोनों हो रहा है। तो इसको सही करने के लिए क्या करना होगा? मैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पर मैं टाइप करता हूँ या कुछ भी ओटीपी आती है तो ये नंबर काम नहीं करता, मुझे यहाँ से टाइप करना पड़ता है। तो इसको ऑन कैसे किया जाता है, चलिए अपने पीसी को ऑन कर लेते हैं, फिर हम आपको बताते हैं। ये हुआ, पीसी ऑन हो गया हमारा। पीसी जब तक ऑन होता है तब तक मैं आपको बताता हूँ ये नंबर लॉक कहाँ से सेटिंग खराब हो जाए। कीबोर्ड चेंज करने के बाद कुछ हार्डवेयर चेंज होता है। ऑटोमेटिक सॉफ्टवेयर अपने आप इंस्टॉल कर लेता है। विंडोज 10 के यूजर होंगे आप तो जानते होंगे, तो विंडोज मेरा अभी स्टार्ट हो रहा है, स्टार्ट होते तक आप थोड़ा वेट करिए, मैं आप इसकी सेटिंग ऑन करके दिखाऊंगा कि ये नंबर काम नहीं कर रहा है तो नंबर काम कैसे करेगा कुछ से। अब हमारा पीसी ऑन हो चुका है, तो चलिए हम आपको कुछ सेटिंग बता देते हैं कि वो कहाँ से ऑन करना होगा। सबसे पहले मैं वर्ड ऑफिस खोल लेता हूँ, तो ऑफिस ऑन होते तक आप भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है कमेंट करके बताइएगा, और कोई नया सुझाव होगा तो आप कमेंट करके हमें बताइएगा जरूर। तो यहाँ पे जैसे ये ऑफिस देखिए, यहाँ से जैसे एमएस ऑफिस ऑन हो चुका है, तो यहाँ से मैं कोई की दाब रहा हूँ तो काम नहीं कर रहा है। आप लोग एक बार ये भी चेक कर लीजिएगा, बट नंबर लॉक अनलॉक मेरा दोनों हो रहा है, तो इससे हमको हो नहीं रहा है, यहाँ पे दाबने पर कुछ हो नहीं रहा है। तो इसको ऑन करने के लिए सबसे पहले आपको पीसी के अपने सेटिंग पे चले जाना है। सेटिंग कई जगह से आप जा सकते हैं, मैं यहाँ शॉर्टकट से सेटिंग जा रहा हूँ। सेटिंग खुलते ही आपको यहाँ से इरेज ऑफ एक्सेस पे आ जाना है, उसको आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करके आ जाना है माउस पे, माउस वाले ऑप्शन पे आएंगे तो ये चीज देखिए, ये चीज आपको ऑन मिलेगा, इसको आपको ऑफ कर देना है। ऑफ करने के बाद आपको सीधा कट करके बैक करके चले जाना है। अब एमएस ऑफिस पे आते हैं, देखते हैं हमारा नंबर की काम कर रहा है कि नहीं। तो ये देखिए, अब यहाँ पे हम टाइप करने लगे, नंबर की काम कर रहा है यहाँ पे। अगर आपको भी कोई सुझाव और कमेंट करके बताइएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है पीसी से तो बताइएगा। एंड अगर आप बिना कीबोर्ड के पीसी यूज कर सकते हैं तो कैसे यूज कर सकते हैं उसको मैं बताऊंगा किसी और वीडियो में, बट आपका कीबोर्ड इमरजेंसी में ख़राब हो गया तो आप कीबोर्ड नहीं है तब भी पीसी को अपने आप यूज कर सकते हैं अच्छे से। तो चलिए वीडियो को भी एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे हो तो लाइक करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, ऐसे इंफॉर्मेशन वाली वीडियो हम आप तक पहुँचाते हैं।